हेलो फ्रेंड्स, माही बांजी किचन में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मैं चावल और आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ये आपको बहुत पसंद आने वाला है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। तो आप वीडियो को भी एंड तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं, फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। टेस्टी सा नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉल। इसमें मैंने डाला है 1 कप चावल का आटा और 1/2 कप मैंने इसमें डाली है सूजी। और यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जीरा और स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और ये मैंने डाला है दही, तो 1/2 कप दही भी मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो बस पानी डाल के इस तरह से मैं बैटर तैयार कर लेती हूँ। बस देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको बैटर तैयार कर लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन, तो उसमें मैंने डाला है करीब 2 चम्मच सरसों का तेल और उसमें डाला है मैंने जीरा। ये अदरक मैंने जो ग्रेट कर लिया था, ये करी पत्ता डाल दिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज, तो मैंने लंबा लंबा प्याज काटा है, लंबी लंबी हरी मिर्च, दोनों चीज़ अच्छे से ऐड कर दी है मैंने। और यहाँ मैंने 1 शिमला मिर्ची ली है, उसको भी मैंने लंबा ही काटा है। और यहाँ पे हल्दी डाल देती हूँ 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे भी स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। और बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। 2 टमाटर मैंने काट के डाल दिए हैं और अब इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर के पका लूँगी। तो देखिए, हमारी सब्जियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो बस इस समय मैं डालूंगी करीब 4 से 5 मैंने आलू लिए थे, इनको बॉईल कर लिया था, तो बस इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी टेस्टी हमारी फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है। तो बस यहाँ गैस बंद कर दूंगी, हरा धनिया डाल देती हूँ। तो हमारा बैटर भी मैं चेक कर लेती हूँ, तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं लूँगी यहाँ पर 1 पैन, तो उसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसको मैं पोंछ दूंगी इस तरह से। और अब इसमें डालूंगी 1 चम्मच भर के ये बैटर और इसको अच्छे से गोल गोल करके मैं फैला दूंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार होता है। और बस इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूंगी, इससे कि हमारे सिकने में मदद हो। और बस इसको धीरे से पलट देती हूँ इस तरह से, मैं उस तरफ भी पलट कर सेंक लेती हूँ। तो बस देखिए, मैं दोनों तरफ सेंक लिया है और अब मैंने जो फिलिंग बना के तैयार की थी वो इसमें भर देती हूँ और इसको इस तरह से पलट दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा एक नाश्ता बनके बिल्कुल तैयार है। ये इतना टेस्टी नाश्ता बनता है कि हमारे डोसे भी फैले। और आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता किस तरह से बनके तैयार हुआ है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।